हाँ, स्वागत है सभी का एचएल ट्रिकी जीके क्लास में। हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री किस देश को अलग करती है, या किन दो देशों के बीच में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। शुरू से अंत तक देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। देखिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम है डोरंड रेखा, यानी डोरंड लाइन। ये किन दो देशों के बीच में है, तो ये पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच में है। तो सवाल यहाँ से ये भी बनता है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है जो अलग करती है, और इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लोग डरे डरे से रहते हैं, डर से क्या समझना, डरे हुए। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लोग, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, डरे डरे से रहते हैं। तो डर से समझना है, डोरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। 1986 में सर मार्टिमर डोरंड के द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री का निर्धारण किया गया। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, रेखा का नाम है मैकमोहन, और ये किन दो देशों के बीच में है, तो ये भारत तथा चीन के बीच में है। तो सवाल क्या बनेगा कि भारत और चीन को कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा अलग करती है, तो मैक मोहन अलग करती है। तो यहाँ से आप ट्रिक्स से भी याद कर सकते हैं, भारत और चीन के बीच में मैक मोहन बैठा है, तो मैक मोहन अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री हो जाएगी और भारत और चीन देश हो जाएगा, जो दो देशों के बीच में स्थित है मैक मोहन। इसकी लंबाई है 1120 किलोमीटर और ये रेखा सर हेनरी मैक मोहन द्वारा निर्धारित की गई थी। तीसरा देख लीजिए, रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, और ये किन दो देशों के बीच में है, ये भारत तथा पाकिस्तान के बीच में है, बहुत फेमस है। तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा खतरा रहता है, और खतरे की जो चिन्ह होती है रेड, तो रेड से हो जाएगा रेड क्लिफ। और इसकी लंबाई जो है रेड क्लिफ, 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री का निर्धारण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, रेखा का नाम है 17वीं समानांतर रेखा, यानी 17th पैरेलल लाइंस। ये किन दो देशों के बीच में है, तो ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है, यानी कि उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा अलग करती है, तो 17वीं समानांतर रेखा। और वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश को दो भागों में बांटती थी, बांटती है। पांचवा देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम है 24वीं समानांतर रेखा, यानी 24th पैरेलल लाइन। ये किन दो देशों के बीच में है, तो ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस अंतर्राष्ट्रीय रेखा को स्वीकार नहीं करता है। छठवां देख लीजिए, रेखा का नाम है 38वीं समानांतर रेखा, यानी 38th पैरेलल लाइन। ये किन दो देशों के बीच में है, ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है, यानी ये उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करती है कौन अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री, 38वीं समानांतर रेखा, और यह कोरिया को दो भागों में बांटती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम है 49वीं समानांतर रेखा, यानी 49th पैरेलल लाइन। ये किन दो देशों के बीच में है, ये अमेरिका तथा कनाडा के बीच में है, यानी अमेरिका और कनाडा को अलग करती है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री, 49वीं समानांतर रेखा। अमेरिका तथा कनाडा को दो भागों में बांटती है 49वीं समानांतर रेखा। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, आठवीं अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री देखिए कौन सी है, रेखा का नाम है हिंडन वर्ग रेखा। ये किन दो देशों के बीच में है, जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में है। तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से लौटी थी, तो जर्मनी और पोलैंड को कौन सी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री अलग करती है, तो हिंडन वर्ग रेखा ये जर्मनी तथा पोलैंड को अलग करती है। नवा देखिए, रेखा का नाम ओडर नास रेखा, और
ये किन दो देशों के बीच में है? ये जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में है, यानी जर्मनी को पोलैंड से अलग करती है ये ओडर नॉस अंतर्राष्ट्रीय रेखा। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई थी। दसवां देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम है मैगी नॉट रेखा, और ये किन दो देशों के बीच में? जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, यानी मैगी नॉट अंतर्राष्ट्रीय रेखा जर्मनी को फ्रांस से अलग करती है। तो आप यहाँ पर मैगी फ्रीज में है ऐसे करके याद कर सकते हैं, मैगी से हो जाएगा मैगी नॉट, और फ्रीज से हो जाएगा फ्रांस, हो जाएगा फ्रांस, और जा से हो जाएगा जर्मनी। तो फ्रीज का मतलब फ्रांस और जर्मनी, मैगी से हो जाएगा मैगी नॉट रेखा, यानी जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने ये रेखा बनाई थी। और भी आगे बढ़ें, रेखा का नाम है सीज फ्राइड रेखा, ये किन दो देशों के बीच में है? जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में है। जर्मनी ने ये रेखा बनाई थी और ये रेखा जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में स्थित है। तो ये थी कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।